वेल हाय गाइस, मैं त्रिशा आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ कोलगेट से अपने हाथों की सफाई करने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके हाथों में कितना जल्दी इंस्टेंट ग्लो नज़र आएगा। जहाँ पे भी आपकी डेड स्किन हो रखी है, जहाँ पे भी आपकी स्किन ऐसा लगता है कि काली हो रखी है, वहाँ पे भी आप इस कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, कुछ रुपयों में ही आप डेली वेयर में आप कोलगेट यूज़ करते हैं। तो आप डेली वेयर में जब कोलगेट यूज़ करते हैं अपनी दाँतों की सफाई के लिए, तो अपने हाथों और पैरों की सफाई के लिए भी कोलगेट यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, बस मुझे बस एक बातों का ध्यान देना है कि आपको पेस्ट फॉर्म में कोलगेट लेना है, कोई भी जेल फॉर्म का कोलगेट नहीं लेना है। हमेशा आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे क्लोजअप आता है वो जेल फॉर्म में होता है, बट कोलगेट है और डाबर रेड है और बबूल है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं अवेलेबल जो कि पेस्ट फॉर्म में आते हैं और आपको पेस्ट फॉर्म में ही लेना है। तो गाइस, आप लोगों का ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करती हूँ और मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपने पूरे हाथों पे इस तरीके से कोलगेट लगा लेना है। जहाँ पे भी आपकी डेड स्किन है वहाँ पे कोलगेट लगा लेना है। और यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने कोलगेट पहले ही लगा लिया था और उससे पहले मैं वीडियो शूट कर रही थी, बट मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो इस वजह से मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो गाइस, हुआ ये कि मैंने कोलगेट लगा लिया, मेरा कोलगेट ऑलरेडी सूख चुका है। बट इससे पहले क्या करना है, आपको कोलगेट लगा करके जेंटल हाथों से मसाज देना है। उसके बाद इसको ड्राई होने तक का आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये ड्राई हो जाए पूरे अच्छी तरीके से, तो आपको इस तरीके से एक बर्तन में पानी ले, पानी लेने के बाद उसमें एक टूथब्रश डालें, टूथब्रश की सहायता से अपने कोलगेट को इस तरीके से रब करें। बिल्कुल जेंटल हाथों से आपको रब करना है, कोई भी टाइट हाथ का यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल ही हल्के 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 आपको इस सारे कोलगेट को गीला करके छुटाना है। छुटाना है मीन्स मतलब साफ़ करना है। तो गाइस, होगा ये कि आपके स्किन में जो भी डेड स्किन है वो बिल्कुल फूल चुकी होगी और आपकी ब्रश की सहायता से आप वो बाहर निकल के आ जाएगी। और ये हफ्ते में एक बार करना है और महीने में 3 बार करना है गाइस। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके हाथों में और आपकी बॉडी में बिल्कुल ही एक अलग सा चमक नज़र आएगा। और अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप ब्राइडल हैं या फिर शादी आपके घर में आने वाली है, तो आप इस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो करें। और आप ये कहीं पर भी कर सकते हैं, आपके घुटने काले हैं या फिर हाथ काले हैं या कुछ भी काला है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है गाइस कि अपने हाथों को इस तरीके से वॉश कर दें, वॉश करें अच्छे से पानी, साफ पानी से वॉश करें। कोई भी ठंडा पानी या गर्म पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए। उसके बाद गाइस, आप अपने आँखों से ये रिज़ल्ट देख सकते हैं। रिज़ल्ट आपकी आँखों के सामने है गाइस, कोई भी यहाँ पे बनावटी बातें नहीं बोल रही हूँ मैं। जो भी है आपके सामने है, जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपकी मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला हाल है यहाँ पे। पहले इस्तेमाल करिएगा, उसके बाद मेरी बातों पर भरोसा करिएगा। मेरी कही हुई बातों पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें और पहले आप ये इस्तेमाल करें, उसके बाद ही विश्वास करें। तो गाइस, बस मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं देती हूँ, बस मैं इस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मेरा टूथपेस्ट काम कर रहा है। तो गाइस, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को यूज़ कर, इस वीडियो को देखें और इस टूथपेस्ट को यूज़ करें। उसके बाद जब आप लोगों को फाइनली रिज़ल्ट नज़र है तो ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कोई भी पैसे चार्ज नहीं लगते हैं। अगर आप लोग सोचें कि कोई पैसे लगते हैं तो कोई पैसा नहीं लगता, ना ही मुझे कोई पैसा मिलता है। बस आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस।